और एक और बड़ी अपडेट प्रयागराज से, मंत्री नरेंद्र गिरी खुदकुशी मामले में एक और एक्शन हुआ है। एसआईटी ने तीसरे आरोपी संदीप तिवारी को भी गिरफ्तार कर लिया है। संदीप तिवारी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। संदीप को पहले ही हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी जांच एजेंसी, अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में मुख्य आरोपी स्वामी आनंद गिरी और संदीप तिवारी के पिता आद्य तिवारी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और कल कोर्ट ने इन दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आज कोर्ट में पेशी होगी संदीप तिवारी की। तो आज कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा तीसरा आरोपी संदीप तिवारी, आद्य तिवारी का पुत्र संदीप तिवारी। तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है एसआईटी ने और आज कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। देखना होगा कोर्ट का आदेश संदीप तिवारी के संबंध में क्या रहता है, क्या बाकी दोनों आरोपियों की तरह 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है या रिमांड मिलती है पुलिस को, यह देखना होगा। पुलिस की अर्जी क्या है, कोर्ट क्या इस पर आदेश देता है, इस पर हमारी निगाह रहेगी। लेकिन आज कोर्ट में पेश किया जाएगा तीसरे आरोपी, गिरफ्तार आरोपी संदीप तिवारी को। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रयागराज से वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ और प्रयागराज से ही नीतीश पांडे हमारे साथ हैं। पहले प्रयागराज चलेंगे वीरेश पांडे के पास। वीरेश, आप लगातार एबीपी गंगा अपने दर्शकों को अपडेट करता रहा, लगातार आपने सबने नीतीश ने मोइन ने लगातार पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। जो संत समाज की मांग थी, मुखर होकर जो मांग की जा रही थी कि ये साजिश है, ये आत्महत्या नहीं हत्या है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, वो भी देर रात मुख्यमंत्री जी ने मानी, उनके आदेश पर अब सीबीआई जांच भी होगी। वीरेश, लेकिन एक एक बात मैं आपसे स्पष्ट जानना चाहूंगा, एसआईटी 18 सदस्यों की पहले ही जांच कर रही और अब सीबीआई जांच की भी सिफारिश हो गई, तो सीबीआई जांच तो होगी ही, स्वाभाविक है जब सिफारिश हुई है, क्या इस बीच में एसआईटी भी अपनी जांच जारी रखेगी? वीरेश, देखिए, एसआईटी जो अब तक जांच कर चुकी है 48-50 घंटे के अंतर, वो सारी जांच जो है वो सीबीआई को सौंपेगी, यानी जो भी अब तक का डेवलपमेंट है सीबीआई से कोऑर्डिनेट करेगी और एसआईटी, अब उसको समय भी दिया गया था कि 48 घंटे के अंदर शासन तक हमें रिपोर्ट देनी है, तो प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश पर जो निर्धारित किए गए थे डीजी जोन, साथ ही साथ आईजी और कमिश्नर, तो जो अब तक जाँच चली है जिसके आधार पर हम खबर चला रहे थे, एसआईटी उस पूरी रिपोर्ट को जब सीबीआई को हैंडओवर हो जाएगा तो उस पूरी रिपोर्ट को सौंपेगी और उसके बाद सीबीआई अपनी जांच आगे बढ़ाएगी, क्योंकि शासन तक रिपोर्ट जल्द ही 48 घंटे के अंदर ही पहुंचाना था। जी ठीक है वीरेश, बिल्कुल ही आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपने कहा कि जब सीबीआई इसको टेक ओवर करेगी तब तक ये जांच एज इट इज एसआईटी जारी रखेगी और उसके बाद टेक ओवर के बाद सीबीआई को हैंडओवर हो जाएगी वो जांच रिपोर्ट एसआईटी की। ये बहुत महत्वपूर्ण जानना था हमारे दर्शकों के लिए। नीतीश के पास चलते हैं। नीतीश, आप नैनी सेंट्रल जेल के बाहर मौजूद हैं और वहीं पर दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद जुडिशियल कस्टडी में रखा गया, क्या देखा आपने वहां पर, क्या रिपोर्ट है? राजेन जी, पहले मैं तस्वीरें दिखा दूं। ये नैनी सेंट्रल जेल है और इसी जेल के भीतर बैरक नंबर 6 में बात करें तो आद्या तिवारी और आनंद गिरी को रखा गया है और इसके बाद अभी 10 बजे के बाद इन लोगों का जो बैरक है वो शिफ्ट कराया जाएगा। आज कोर्ट के लिए अहम दिन है। अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज की कोर्ट में आज ज़्यादा हलचल रहने वाली है। सीजेएम कोर्ट में इन दोनों की पुलिस रिमांड को लेकर सुनवाई होनी है, इसके साथ ही संदीप तिवारी की भी आज पेशी होनी है, तो कोर्ट में आज अहम दिन है। लेकिन आपको बताऊं कि जिस तरह से आनंद गिरी को यहां बैरक नंबर 6 में आम कैदियों की तरह रखा गया है, वो कहीं ना कहीं जनता को जानना होगा, जानना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आम जिंदगी और जो आनंद गिरी है वो आम जिंदगी जीने का शौकीन व्यक्ति नहीं है। बिल्कुल, वो कहने के लिए संत जरूर हैं, लेकिन उनके कपड़े, कहा जाता है कि गेरुआ होने के अलावा महंगे कपड़े पहनना, बड़ी गाड़ियों से घूमना, चमचमाती गाड़ियों से घूमना, होंडा सिटी और इसके साथ बुलेट पहली पसंद, इसके आप अगर बात करें तो हवाई यात्रा का बड़ा शौकीन, और इतना ही नहीं विदेश यात्राओं का बड़ा शौकीन, और उस सबसे ज्यादा अपने आप में रुआब में रहना इनकी पहचान है। लेकिन इन्होंने पूरी रात कैसे गुजारी है ये भी हम आपको बता दें। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 3 से 4 बार पानी मांगा, काफ़ी परेशान दिख रहा था आनंद गिरी, और इसके साथ ही पसीने से लथपथ हुआ। रात को उसने कुछ सुरक्षाकर्मियों से बातचीत भी की, जो जेल के सुरक्षाकर्मी थे उनसे बातचीत भी की, और इसके साथ ही जो जगह है जहाँ पर वो हैं आनंद गिरी को और आद्या तिवारी को जहाँ रखा गया है उस बैरक में एक कंबल और एक चादर है और इसी के सहारे पूरी रात गुजरी है, यानी एक लग्जरी लाइफ वो, और आज इस सेंट्रल जेल में। बिल्कुल ठीक, आपने ये विरोधाभास हो गया कल रात को, बिल्कुल।